इस शिक्षा को हम बेहतर बनाएंगे, दुनिया की हर शिक्षा को हम भारत में देंगे, वो नहीं हो पाया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, देश की हालत बहुत दयनीय स्थिति में पहुंची। एक किसान अपनी मांग को लेकर तड़प तड़प से मर गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन दे रहा हूं, तो ये हमारे लिए शर्मनाक है। देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं दिलेश मालवीय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उज्जैन में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी तेज हो चुकी है। भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार जो कि यहां उज्जैन से ही सांसद रह चुके हैं अनिल फिरोजिया जी, उनको पुनः टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है महेश परमार जी पर, जो कि उज्जैन से महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत ही कम अंतराल से वो हारे थे। साथ ही वो विधायक भी हैं तराना के। लेकिन अब तीसरा समीकरण ये बनने जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जो मौजूद हैं ये एडवोकेट हैं और इनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है उज्जैन से। तो अब क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा? और अगर ये जो कि उज्जैन सीएम मोहन यादव का गढ़ है, जी हाँ, यहीं से सीएम मोहन यादव को चुनाव लड़के जीत चुके हैं और मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या इस किले को भेदना और इनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या तरीके रहेंगे चुनाव लड़ने के, आइए जानते हैं। सर, हम शुरुआत करते हैं आपका शुभ नाम और आपका पूरा परिचय से। मेरा नाम प्रशांत चौहान है और मैंने 27 साल पुलिस में सेवा दी और उसके बाद मैं अभी वकालत कर रहा हूँ और वकालत करते करते मैंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैं आज जिला प्रभारी हूँ और बहन मायावती जी ने और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझे उज्जैन आरोप लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो मैं उज्जैन आरोप लोकसभा क्षेत्र की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 में जब सत्ता में आई तो उसने यही कहा था कि शिक्षा को बेहतरीन बनाएंगे, दुनिया की हर शिक्षा को हम भारत में देंगे, वो नहीं हो पाया। रोजगार, 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी। आज हम देखते हैं कि वर्ष 2014 से लेकर आज तक हमारे जो शिक्षित बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, रोजगार के अभाव में वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया। देश की हालत बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। फिर मोदी सरकार वर्ष 2014 में ये कहकर आई थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उन्हें हम MSP देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि किसान अपनी मांग को लेकर तड़प तड़प के मर गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हम देखते हैं कि आज संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। संविधान के आर्टिकल कब ख़त्म किए जाते हैं हमें बाद में मालूम पड़ता है, और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा सर्व समाज के लिए, सभी के हितों के लिए लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे देश को महंगाई के, बेरोजगारी के और अराजकता का माहौल इस देश में जो बना रही है वह इस देश के लिए सही नहीं है। सर, आप तो मुद्दे रहेंगे महंगाई, बेरोजगारी, उज्जैन में आपको टिकट दिया है उज्जैन आलोक संसदीय क्षेत्र से जीतने के लिए, आपका जीत का एजेंडा क्या है? किन मुद्दों में जनता के बीच मैं जनता को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती है। मैं इस देश में जो हो रहे हैं अन्याय, अत्याचार, महिलाओं का शोषण, बेरोजगार युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो अपनी बदहाली बार बार इन सरकारों को सुना रहा है, तो अभी तक कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने ये कुछ नहीं किया। ये उनका वोट लिया और हमें तो जनता ठगी की ठगी रह गई। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यदि इस उज्जैन आलोट की संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन लिया तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि आज पुलिस विभाग में जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं
आज शोषण के नाम से उनका अनुशासन के नाम से शोषण हो रहा है। आज एक दिन का अवकाश भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनका परिवार अवसाद की जिंदगी जी रहा है। जब उनके परिवारों में कोई कार्यक्रम होते हैं तो वो चौराहे पर ड्यूटी देता रहता है और उसके बीवी बच्चे उनके इंतजार में तड़पते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारा पिता अब आएंगे। लेकिन इन 27 साल की नौकरी में मैंने जब अंदर से देखा कि आज भी पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को ये क्लास वन अधिकारी आज भी उन्हें इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं वो लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। रही बात वकीलों की, तो मैंने देखा कि वकीलों का जो प्रोटेक्शन एक्ट आज इन तक कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने लागू नहीं किया। आज एक वकील वेल एजुकेटेड पढ़ लिख कर जब वो न्यायालय में संविधान की रक्षा के लिए लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब जाता है तो तब उसके पास ना बैठने की व्यवस्था है और ना और कोई व्यवस्था है उसके पास। तो मैं चाहता हूँ कि वकीलों का जो प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू हो और उन्हें बीमा की सुविधा मिले और मरणोपरांत उन्हें पेंशन की सुविधा हो। और यह बताना देना चाहता हूँ कि जो पुरानी पेंशन योजना है जो सरकारों ने ख़त्म कर दी है, मैं चाहता हूँ कि वो पुनः बहाल हो और गरीबी से आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन दे रहा हूँ, तो ये हमारे लिए शर्मनाक है कि ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा करता था किसी समय, लेकिन इस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तो मेरा इस क्षेत्र की जनता से ये कहना है कि यदि आप लोगों को मुझ पर भरोसा है तो एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। उज्जैन अलोर संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में विकास के लिए क्या सोचते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले उनकी शिक्षा को दुरुस्त किया जाए, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए ताकि जब वो पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उसे व्यवसाय मिल जाए, और जब वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई तक पहुँचे तब उसके पास हाथ में रोजगार हो। उसे 5 किलो अनाज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों कि यदि उसके पास नौकरी होगी, उसके पास रोजगार होगा तो वो स्वयं अपना रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था स्वयं कर लेगा। और यदि हम सत्ता में आते हैं, यदि इस क्षेत्र की जनता मुझे चुनती है, तो सबसे पहले हम रोजगार के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रोटेक्शन है उज्जैन के अंदर, हम यहाँ उद्योग डालेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति लाएंगे। हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये सरकारें केवल एक विशेष धर्म के लिए करती हैं, जो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, जो गुलदस्ता बनता है वो सभी फूलों से बनता है। हम सब सभी धर्मों के बारे में सोचें और सभी के लिए कार्य करें, ये मैं हमारा उद्देश्य होगा।